अस्सलामुअलैकुम। तो गुड न्यूज़ ये है कि मोटोरोला पाकिस्तान में वापस आने वाला है और काफी जल्द आने वाले, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो भी कंफर्म हो चुकी है कौन सी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितने मॉडल्स आने वाले, मॉडल्स भी कंफर्म है। बट आज की वीडियो में मैं जिस मॉडल के बारे में बात करने वाला हूँ वो है द मोटोरोला G84 5G स्मार्टफोन, जो की मोटोरोला की तरफ से एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन है कैटेगरी में आते हुए, काफी एक डिसेंट स्पेस के साथ आता है और नो डाउट स्मार्टफोन का जो डिजाइन है वो भी इंतहाई ज्यादा शानदार और प्रीमियम। आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन की रियर साइड पर स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया, जिसमें आपको डुअल कैमरा, स्टेबिलिटी फ्लैश लाइट और कैमरा मेगापिक्सल की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो काफी ज्यादा खूबसूरत किस्म के कलर्स के साथ आता है। यहाँ पर एक मार्शमेलो ब्लू कलर है, एक मिडनाइट ब्लू कलर और एक वाइवा मैग्नेटा कलर दिया गया है। और ये जो मैग्नेटा कलर है एक और लेदर डिजाइन में आता है, यानी लेदर वाला फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाता है, जबकि बाकी जो दो कलर है वो प्लास्टिक बैक के साथ आता है। और ये जो स्मार्टफोन है बॉटम सेंटर में मोटो की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक बॉक्सिंग फ्लैट फ्रेम के साथ आता है, ये फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया जो कि 7.6 mm थिक है और 1866 ग्राम स्मार्टफोन का वेट दिया गया है। और ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ आता है, यानी डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और दिलकश है। और अच्छी बात यह की स्मार्टफोन लेदर डिजाइन में भी आता है और IP54 की रेटिंग के साथ जो की स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बट ये जिस प्राइस में आते उस प्राइस के हिसाब से मैं टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पर ग्लास एक्सपेक्ट कर रहा था। ये जो लेदर वाला एडिशन है ये तो ठीक है, बट बाकी जो है वो ग्लास के साथ आने चाहिए, न कि प्लास्टिक बैक के साथ आने चाहिए। मोटो G84 5G स्मार्ट में दिया गया 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक सेंटर पांच होल कैमरा दिया गया है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ भी आपको देखने को मिल जाता है। देखो डिस्प्ले नोट मुझे काफी ठीक लगा है, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, स्पेशली जो चीन और बेज वो भी काफी कंट्रोल्ड है, बिल्कुल भी यहाँ पर आपको एक अपर मिड रेंज स्मार्टफोन फील नहीं होता। इनफेक्ट काफी एक प्रीमियम बजट का स्मार्टफोन है, कुछ उसी लेवल का डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात है कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको डिस्प्ले के अंदर दिया गया, तो ये काबिल सताइश बात है। तो डिस्प्ले से मेरी उम्मीद ज्यादा है और उम्मीद करता हूँ कि ये जो उम्मीद है ये बिल्कुल भरपूर होंगी। मोटो G84 5G स्मार्ट में दिया गया स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर जो कि 6 नैनो पर बेस्ड है और एड्रीनो 619 का GPU दिया है। स्मार्टफोन 8256 और 12256 GB वाला वेरिएंट में आएगा, लेकिन पाकिस्तान में जो कंफर्म है वो 12256 GB वाला वेरिएंट आएगा जो कि UFS 2.2 के स्टोर टाइप के साथ आएगा। और साथ में एंड्रॉइड 13 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑफकोर्स एक स्टॉक एंड्रॉइड है, आपको बिल्कुल क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस सेगमेंट है वो भी ठीक ठाक है और जितना मुझे आइडिया है जिस प्राइस में इसने आना है उस प्राइस में डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर जस्टिफाई करता है और ये काफी काबिल सराहनीय बात है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में, तो प्राइस के बारे में जो मुझे कुछ लीक्स निकल के सामने आ चुकी है उसके हिसाब से ये जो स्मार्टफोन 75,000 रुपए स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है 12256 GB वाले वेरिएंट की। और अगर इसी प्राइस में आते तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन वर्थेबल है और डेफिनेटली इस प्राइस में जस्टिफाई करता है। रही बात लाइन डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है सुनने में आ रहा है कि इसी महीने के आखिरी जो हफ्ता है उसी में मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी पता नहीं है, पहले भी आ सकता है। तो एंड का जो आखिरी वीक है उसमें तो कंफर्म है, बस उससे पहले भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। और ये बिल्कुल कंफर्म है। रेडमी नोट 13 प्रो के बारे में थोड़ी सी मिस कन्फ्यूजन हो गई थी तो उसके बारे में आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी उन्होंने यहाँ पर अपनी मर्जी से वो लॉन्च करना चाह रहे थे, बट फिर रेडमी ऑफिशियल ने उनको मना कर दिया कि हम खुद इसको लॉन्च करेंगे, तो इसी सीन के साथ ये हुआ। बाकी ऑफकोर्स मास्टेक ने भी ऐसा रिवील किया था कि ये जनवरी को आएगा, तो इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं, इनफैक्ट अगर गलती है तो फिर साहब की है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजत खां हूँ। स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है F1.9 अपर्चर के साथ विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया विद ऑटो फोकस और फ्रंट पर सेंटर पांच होल कैमरा में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन रियर कैमरा से फुल HD प्लस 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकता है, जबकि फ्रंट पर फुल HD प्लस 30 FPS पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकता है। देखो कैमरा के वजह से मैं बात करूँ डेफिनेटली मेरी उम्मीद ज्यादा है, और जो चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसमें OIS दिया गया है और इस प्राइस में आपको बिल्कुल ना होने के बराबर OIS मिलता है, तो ये भी काबिल सताइश चीज है। बाकी स्मार्टफोन फुल HD प्लस 1080p पे रिकॉर्डिंग करता है, तो ये भी इस प्राइस में बॉक्स में तो कोई भी स्मार्टफोन जो वो प्रोवाइड नहीं करता, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल जो कैमरा सेगमेंट है वो मुझे काफी अच्छा लगा है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्टिमाइजेशन होगी वो भी ज्यादा होगी, तो जब लॉन्च हो जाएगा
तब इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। मोटो G84 स्मार्ट में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 30 वाट की फास्ट चार्ज है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mAh जैक भी है और डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ भी आते, तो ये काफी एक अच्छी बात है। देखो मोटो G84 स्मार्ट काफी ज्यादा एक डिसेंट स्पेस के साथ है, जो प्राइस मैंने प्रेडिक्ट किया अगर उसी में आता है तो डेफिनेटली ये काफी एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा और बहुत से लोग मोटो स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन टाइम है और डेफिनेटली इन स्मार्टफोन को आना भी चाहिए। इंतजार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।